सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। टुडे इज 22 मार्च 2023 और आज है गुड़ी पाड़वा। तो सभी को गुड़ी पाड़वा की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से, हार्दिक शुभेच्छा, सॉरी, आप सभी को हार्दिक शुभेच्छा मेरी तरफ से। और अभी मैं आया हूँ यहाँ मलाड बैक रोड पे। एक्चुअली मैं आया हुआ था इंटरव्यू पे, गुड़ी पाड़वा के चक्कर से ऐसे फॉर्मल कपड़े नहीं पहने मैंने, तो ऐसा कुछ सीन नहीं है। फिर तो मैं आया हुआ था इंटरव्यू पे और इंटरव्यू दिए मैंने, काफ़ी दिए। उसके बाद भी अभी तक कुछ हुआ नहीं, तो आज अपन बात करेंगे। जो भी बंदे जॉबलेस हैं, अब उनको तो यार जॉबलेस बंदों का रहना खाना पीना बहुत मुश्किल होता है। घर पे भी प्रॉब्लम होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन घर वाले बोलते हैं हाँ हो जाएगा ठीक है। रिलेटिव्स भी सारे बोलते हैं हो जाएगा, वो तो अपना साथ ही देते, लेकिन यार जब काम ना रहे, जेब में पैसे भी ना रहे, तो कुछ दिखाई नहीं देता। और अभी मेरी सिचुएशन वही है कि ना जेब में पैसे है, ना कुछ है, ना काम है। काम के लिए जहाँ जाओ सबको एक्सपीरियंस बंदे चाहिए, और एक्सपीरियंस बंदे हो आप तो उनको एक्सपीरियंस लेटर वगैरह बहुत बहुत ही यार क्या होता है, बहुत ही प्रॉब्लम है। सबको एकदम परफेक्ट बंदा चाहिए काम करने वाले में। हाँ मानते हैं है हम लोग परफेक्ट, बट फिर भी कोई ना कोई रीज़न से कहीं होता है सिलेक्शन, तो उसमें अपने को करना नहीं है, और जहाँ करना है वहाँ पे हो नहीं रहा है। जो भी है फील्ड वर्क में ही कराते हैं सब, तो फील्ड वर्क करना नहीं है। एक्चुअली मैं ढूंढ रहा हूँ जॉब बैंकिंग सेक्टर में, तो वहाँ का तो जॉब मिल रहा नहीं है। और कहीं कहीं तो ये बात है कि आप लोग कहीं कहीं जाओगे इंटरव्यू के लिए, तो वो लोग आप लोगों को बोलेंगे कि हाँ 2000 भर दो, 2500 भर दो। अभी तो एक जगह मैं गया था इंटरव्यू पे आज मॉर्निंग में, तो वहाँ पे ऐसा था कि बंदे इंटरव्यू के लिए आए थे, वो लोग बोलते हैं कि आप लोग पैसे भर दो इंटरव्यू के लिए, और हम लोग आप लोगों को आईडी बना के देंगे। तो यार जब जिसके पास पैसे रहेंगे तो वो काम ही क्यों करेंगे, है ना। तो वहाँ पे ऐसा सीन हो गया, वहाँ पे पैसे मांगे तो मना कर दिया मैंने। अब दूसरी जगह आए थे वहाँ पे, तो बोला कॉल करेंगे आप लोग को, आपको कॉल करेंगे और आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो यही यार बात करनी थी मुझे आप लोगों से। यूट्यूब इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, अब मेरा तो ऐसा इंटेंशन नहीं है कि हाँ यूट्यूब से कमाएंगे या अर्निंग होगी, बट जो भी होता है मैं ट्रैवल वगैरह जो भी करता हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ मैं, कि हाँ ताकि आप लोगों को भी पता चले। अभी आज मेरे मन में आया, क्योंकि आज मेरे मन में ऐसी फीलिंग आ रही है, 3-4 महीने से मैं जॉबलेस हूँ, तो मेरे मन में फीलिंग आई जॉबलेस वाली। हाँ ये तो काफ़ी टाइम से आ रही है कि जॉबलेस हूँ मैं, भाई हूँ। अब देखते हैं आगे क्या होगा यार, जॉब तो ढूंढ नहीं रहे अपन, ऐसा तो है नहीं कि ढूंढ रहे। कई जगह पर मैं गया इंटरव्यू के लिए, वहाँ पर हुआ सिलेक्शन तो काम अच्छा नहीं था। जहाँ पर करना था अच्छा लगा कि बैंक में है, बैंक के पेरोल पे, तो वहाँ पे सैलरी कम थी या हुआ नहीं सिलेक्शन, ऐसा सीन था। तो यही सब चल रहा है यार, जॉबलेस बंदे आखिर करें क्या, वो भी मुंबई जैसे शहर में, ये महंगी गाड़ी लेके। एक तो गाड़ी में पेट्रोल इतना जाता है, ये लोग इंटरव्यू पे इतने दूर दूर बुलाते हैं, और फिर बोलते हैं कि आप लोग पैसे भरो, तो पैसे कहाँ से भरेगा यार इंसान, जॉबलेस बंदा। तो यही सब बात है, ऐसे मेरी तरह मुंबई में ना बहुत लोग हैं जो ग्रेजुएशन करके बैठे होंगे, काम नहीं मिल रहा है अच्छा मनपसंद का, जहाँ पे करना है वहाँ काम नहीं मिल रहा है। और कभी कभी तो इंटरव्यू के बाद ऐसा मन करता है कि घर पे भी ना जाओ, घर पे जाएंगे तो घर वालों को आशा लगी रहती है कि हाँ काम मिला होगा अब करेगा, लेकिन फिर भी नहीं होता। अब घर वाले तो सपोर्ट करते ही हैं, लेकिन कब तक अपना भी तो है कुछ, कि आप उनको भी करना है या घर वालों का साथ देना है आगे बढ़ने के लिए, खुद भी आगे बढ़ना है। लेकिन यार जॉब क्या होता है, जॉब कहीं कुछ नहीं हो पा रहा। तो यही मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। यूट्यूब इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहाँ से भी कुछ नहीं हो पा रहा है कि हाँ भाई सब्सक्राइबर बढ़े। जो देखते हैं मेरे प्रोफाइल में कि हाँ ये ब्लॉगिंग क्या है, तो वो लोग पहले क्वेश्चन मार्क हो जाते हैं। एक तो मिस थी वो व्लॉगिंग, उसको खुद को पढ़ने नहीं आ रहा है, व्लॉगिंग बोल रही है। तो मैंने बोला ये व्लॉगिंग क्या होता है, तो मैं समझा नहीं, तो बोल रही है आपने इंटरेस्टेड में लिखा। मैंने कहा मैंने
मैंने कहा मैम वो ब्लॉगिंग लिखा हुआ है, तो मैंने उनको बताया यूट्यूब के बारे में कि हाँ ये ऐसे ऐसे वीडियो बनाता हूँ मैं जब ट्रैवल करता हूँ। अभी अपने पास इतने पैसे तो है नहीं कि मैं रोज़ ट्रैवल करूँ और रोज़ वीडियोस बनाऊँ, ना ही मेरे यहाँ वाईफाई है, मैं वीडियो कैसे अपलोड करता हूँ बाहर जाके वो मेरे को ही पता है कि मैं कहाँ कैसे किससे किससे वाईफाई हॉटस्पॉट लेके मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो बस यार यही सब था मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना, जो भी देखेंगे भाई। वैसे तो जॉबलेस बंदे काफ़ी होंगे, उन्हीं लोग के लिए बनाया है लाइक मेरे जैसे। तो चलो गाइस मिलते हैं आगे, जैसा भी होगा मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूँगा। हैप्पी गुड़ी पाड़वा आप सभी को, और हैप्पी नवरात्रि भी, कल से रमज़ान स्टार्ट हो रहा है रोज़ा के पहले दिन, तो सभी को रमज़ान मुबारक मेरी तरफ से। तो मिलता हूँ मैं आप लोगों से बाद में, देखते क्या होता है लाइफ में, पता है।